पुचकी। वो गया पानी के अंदर। वो ये गाइस दिवाली काफी ज्यादा नजदीक आ रही है और ऑलरेडी हमने इतने सारे क्रैकर्स टेस्टिंग के लिए परचेस कर लिए। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्रैकर्स है और आज के इस वीडियो में इन सभी को टेस्ट करने वाले हैं। लेकिन गाइस आप सभी को पता है तुम्हारा भाई सबसे हटके करता है। आप लोगों ने नॉर्मली इनकी टेस्टिंग तो देखी होगी लेकिन तुम्हारा भाई आज सब इन सभी क्रैकर्सों की टेस्टिंग करेगा ओ भी पानी के अंदर। जी हाँ गाइस आज के इस वीडियो में हम इन सभी को पानी के अंदर टेस्ट करने वाले हैं। इनमें से कौन कौन से क्रैकर जो है पानी के अंदर चल पाते हैं या फिर पानी के अंदर चलेंगे भी तो किस तरीके से चलते हैं या फिर वो अलग टाइप से चलेंगे या फिर इनमें से जो क्रैकर से वो चलेंगे ही नहीं, तो फटाफट से आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस टेस्टिंग से पहले आप लोगों को बता दूं आज हमारे पास कितने सारे क्रैकर थे और इनमें कौन कौन से। ये है हमारे पास मरकरी की चक्री जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होती है, बिजली बॉम की लड़िया, जायंट फ्लावर पॉट, यहाँ पर बिग VIP और यहाँ पर वेडविल की चक्री, साथ ही साथ ये है स्पेशल पटाखा जो की है ड्रैगन जेल, और ये है हाई फाई। अब मुझे नहीं पता है कैसे चलेगी, मैंने खरीद तो लिया लेकिन ये गंगा जमुना, और ये है एक पावरफुल स्काई शॉट, साथ ही साथ मंकी स्पिनर। देखते हैं ये किस तरीके से चलेगी जब पानी में हम इसको चलाएंगे, तो फटाफट से इन सभी की टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। गाइस अभी मैं आ गया हूँ पानी के पास में और आप सब देख सकते हो यहाँ पर कितना सारा पानी है। इसी पानी के अंदर हम हमारे सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्रैकर्सों को टेस्ट करेंगे, देखेंगे इनमें से कौन सा जो क्रैकर से इस पानी के अंदर सरवाइव करता है। तो फटाफट से टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले हम टेस्ट करने वाले हैं ये मरकरी की चक्री, देखते हैं क्या ये पानी में चलेगी। तो मैं यहाँ पर एक चक्री निकाल लेता हूँ, तो फटाफट से टेस्ट करते हैं इसको। हमारी चक्री जल गई है, पानी के अंदर चल गई। ये वाओ, अरे घूम भी रही है गाइस, देखो कितनी मस्त तरीके से घूम रही है। वाओ अभी भी चल रही है, देख सकते हो, मतलब ये चक्री पानी के अंदर भी चल सकती है। तो फटाफट से नेक्स्ट को लेकर आते हैं। तो यहां पर मैं ले रहा हूँ चिटपीट, अब इसको भी टेस्ट करते हैं। इसको मैंने निकाला और ये जलाया मैंने इसको, फेंक दिया वो गीला हो गया गाइस। दूसरा लेकर आते हैं फटाफट से, इस बार दूसरा टाइप का लिया मैंने वही, तो इसको फेंकते हैं। वाओ पानी के अंदर तो नहीं चला लेकिन जो इसमें जो स्मोक निकला था ना वाइट वो काफी ज्यादा ऑसम था। तो नेक्स्ट को ट्राई करते हैं, यहां पर ले रहा हूं ये छोटा अनार, देखते हैं ये सर्वाइव करेगा क्या पानी के अंदर भी। और ये मैंने इसको जलाया और ये जला और मैंने डाल दिया, वो वो ये जला। नेक्स्ट को ट्राई करते हैं, यहाँ पर है हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट टाइप की चिटपुट, ये VIP, कौन सा लू यहाँ पर मैं ले रहा हूँ वेडविल की चक्री, देखते हैं ये सरवाइव करेगी या नहीं करेगी। ये मैंने चलाई चक्री और चल गई, घूमने लग गई गाइस। यार ये काफी अच्छी तरीके से चल रही है, दम तोड़ दिया इसने यार, पैसे काटने साले ने मेरे। तो नेक्स्ट को ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ ये पटाखों की लड़ियाँ, तो यहाँ पर एक पटाखों की लड़ी ले ली मैंने, ये है कोबरा पटाखों की लड़ी, ये नागिन है, 10 लेगी गाइस रात के अंदर। तो इसको जलाता हूँ मैं, दो चार पटाखे इसमें जले लेकिन मजा काफी ज्यादा आया। नेक्स्ट को ट्राई करते हैं। तो गाइस इस बार यहाँ पर ले रहा हूँ मैं तितली, देखते हैं ये तितली कितनी ऊंची उड़ती है, उड़ेगी तो कैसे उड़ेगी पानी के अंदर या फिर इसके पंख जो है गीले हो जाएंगे। तो ट्राई करते हैं इसको। ओके इसका फ्यूज जल गया, ये क्या है गाइस, ये नकली है यार, ये गलत है, दूसरा ट्राई करते हैं। शायद मैंने इसको जल्दी फेंक दिया इसलिए ये जो है बुझ गई होगी। अब इस बार देखते हैं, ये मैंने जलाया, थोड़ा लेट फेंकूंगा इसको मैं। भाई साहब ये उड़ गए, मुझे नहीं पता था ये इतनी खतरनाक तरीके से उड़ती है ये। अरे यार गाइस हमारी जो सेकंड बटरफ्लाई थी ना वो सर पिर करके ऐसे उड़ गए, देखते हैं ये किस तरीके से उड़ती है। इस बार मैं इसको पानी के अंदर डालूंगा, उड़ नहीं पाएगी, इसके पंख को गीला ही करना पड़ेगा, यही डाल दूंगा मैं। गई गई
चल रही है गाइस चल रही है। रेड कलर भी निकल रहा है। ओ ये तो बोट बन गई। ओ मस्त है यार, ये तो जबरदस्ती। नेक्स्ट को ट्राई करते हैं। ये गाइस वेरिएबल का अनार, देखते हैं किस तरीके से चलता है पानी के अंदर। और मैंने जला लिया, चल जा। ओ भाई साहब, अरे कटे जेर। ओहो अरे यार ये तगड़ा चला यार, मस्त मजा गया। देखते हैं कौन सा और है जो पानी के अंदर चल सकता है, हमारा प्यारा गंगा जमुना। और देखते हैं क्या ये गंगा जमुना की तरह पुर करेगा इस पानी के अंदर। तो यहाँ पर मैं इसको जलाता हूँ और फ्यूज जल गया गाइस। ओह जल गया। ओ मजा गोट भाई साहब, अरे फूट से कच्चे, अरे फूट से कच्चे कतई जेर भाई साहब, अभी फूट जाता मेरे हाथ में। कल वीडियो नहीं आती, दूसरा ट्राई करते हैं भैया, सेफ्टी पूरी। ओह जल गया गाइस इसका फ्यूज। पानी के अंदर चल रहा है गाइस, फटा भी ये फटा, वर्क कर रहा है, मतलब ये पानी के अंदर सरवाइव कर सकता है। अब नेक्स्ट को ट्राई करते हैं। यहाँ पर है हमारे पास, तो इस बार ले लिया है मैंने यहाँ पर बुलेट बॉम्ब, देखते हैं ये किस तरीके से चलता है। तो यहाँ पर एक बुलेट बॉम्ब निकाल लिया मैंने और इसको पानी के अंदर देखते हैं क्या ये सरवाइव करेगा। और ये ओए ओए ओ ये सरवाइव कर गया यार, मुझे उम्मीद नहीं थी ये जो क्रेकर ये पानी के अंदर चलेगा, लेकिन चल गया। लाइक करो इसके लिए। और अब देखते हैं कौन सा चलाएं हम। और ये है हमारे पास, ओ भाई साहब फाउंटेन, तगड़ा है भाई साहब, इसका नाम ही तगड़ा है, तो चलेगा कैसे देखते हैं पानी के अंदर ये चल पाएगा क्या। तो यहां पर मैं इसको जलाता हूं। की काका के जल रही है, वाव ये मस्त तरीके से जली, अभी भी जल रही है, काफी ज्यादा दम है भाई साहब इसके अंदर, उई उई करके जल रही है। तो देखते हैं नेक्स्ट को ट्राई करते हैं, इस बार कौन सा क्रेकर है हमारे पास जो कि पानी के अंदर चल सकता है। ये बड़े वाले रॉकेट जो कि है हॉलीवुड रॉकेट, इसको हम सेफ्टी से चलाएंगे और देखो ये कितना बड़ा है। समझ रहे हो आप गाइस, इस लंबू रॉकेट को चलाने के लिए सिंपली मैं इसका जो मुंह है पानी की तरफ कर देता हूं, लेकिन गाइस सेफ्टी पूरी है हमारी। तो आप लोग ऐसे कुछ भी घर पे ट्राई करने कोई मत करना, ये जो क्रेकर्स है नॉर्मल नहीं है, ये काफी ज्यादा डेंजरस भी हो सकते हैं। तो मैं इस क्रेकर्स को जलाता हूं, मतलब इस रॉकेट को। रॉकेट जल गया भाई साहब, किधर भी जा सकता है ये, दूर रहना। अरे वाह ये मछली बन गई गाइस, ऐसे चल रही थी मुझे नहीं लगा कि ऐसे पुर चलेगी है। अब नेक्स्ट को ट्राई करते हैं गाइस, इसके अंदर है कुछ इस तरह के बिजली बॉम्ब, ये काफी ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं, लेकिन एक एक को चलाने में मजा नहीं आएगा। तो हम क्या करें, इन सभी को इकट्ठा करके बांध देंगे, फिर इसको पानी के अंदर डालेंगे, फिर देखते हैं क्या ये सर्वाइव करेंगे पानी के अंदर भी। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मैंने सारे बिजली बॉम्ब के चारों तरफ टेप लपेट लिए, अब देखते हैं ये सारे बिजली बॉम्ब पानी में चलते हैं या नहीं चलते। और ये मैंने इसको चलाया, फिर फेंक दूंगा मैं गाइस। गाइस इसमें से सिर्फ दो ही पटाखे चले, जैसे मैंने इसको पानी में डाला ये सरवाइव नहीं करे, इसका मतलब ये पानी में नहीं चल सकते। अब देखते हैं हमारे पास कौन सा क्रेकर है जो पानी में चल सकता है। ये है गाइस राजा वीआईपी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, इसको देखते हैं क्या ये वीआईपी पानी के अंदर सरवाइव करेगा। तो यहाँ पर इसको खोल लेता हूँ, सेफ्टी के लिए हमारे पास है यहाँ पर ये स्टैंड, कुछ इस तरीके से मैं स्टैंड पे इसको रखूँगा और पानी में फेंक दूंगा, अगर हाथ में फट जाएगा ना तो भाई साहब अच्छी दिवाली मन जाएगी, इसलिए हम बोलते हैं सेफ्टी का हम पूरा ध्यान रखते हैं। भाई साहब जल गया गाइस वीआईपी और मैं फेंक रहा हूँ। ओ भाई साहब बस थोड़ा सा रह गया पानी के अंदर जाने में, दोबारा ट्राई कर दी, ये थोड़ा ऊपर ही जल गया। गाइस नेक्स्ट वीआईपी आ गया है और इसको चलाते हैं, इस बार मैं थोड़ा जल्दी फेंकूंगा इसको और फेंकता हूं मैं, ओ यहीं पे गिर गया भाई साहब, ओ पानी में, ओ ओ ओ ओ नो, ओ भाई साहब, ओ कतई कतई फ्यूच, ये टुस्की निकल गया गाइस,
फ्यूज जल रहा था इसका, पता नहीं इसमें क्या हो गया, ब्लड नहीं गया इसके अंदर शायद। अरे कहना क्या चाहते हो? गाइस तीसरा वीआईपी आ गया है और ये इसको मैं फेंकूंगा पानी के अंदर। ओ गया भाई साहब कतई जहर। सक्सेसफुल, इस बार जला और इसका दिमाग काफी ज्यादा तगड़ा था। अब हमारे पास है यहाँ पर कौन सा क्रेकर से, ये है गाइस हमारे पास पानी वाला पटाखा जिसके अंदर काफी सारे कुछ इस तरीके से बॉक्सेस मिल जाते हैं। अब एक को तो नहीं चलाएंगे, एक में मजा नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे, सभी को पहले बिजली बॉम्ब जैसे चलाए थे वैसे ही चलाएंगे। तो हमने कुछ इस तरीके से इसका सेटअप रेडी कर लिया है और यहाँ पर ब्लैक पाउडर डाल दिया है और अब मैं इसको जलाता हूँ। ये जल रहे हैं पानी वाले पटाखे। वाह वाह मजा आ गया, बारिश हो गई। वाह अरे यार मस्त तरीके से चले, अभी भी चल रहे हैं कुछ पटाखे। यार सारे के सारे पानी वाले बॉम्ब हमारे काफी अच्छी तरीके से जले। गाइस ये है जायंट फ्लावर पॉट जो कि काफी ज्यादा देर तक जलता है, इसको पानी में चला कर देखते हैं ये कितनी देर तक जलेगा पानी के अंदर और कितनी देर तक ये सरवाइव करता है पानी के अंदर। ओ ये फ्यूज जल गया गाइस, 1 2 पुचकी 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 पुचकी, वाह गया पानी के अंदर। वाह ओ तेरी माँ का चोला, ओ भाई साहब, ओ जबरदस्त तरीके से चला यार, मजा आ गया। ये काफी अच्छी तरीके से काफी देर तक पानी के अंदर चले, इसमें मजा आ गया। इस बार 2-1 शायद बड़े वाले यही अनार चलाते हैं। इस बार 2 अनार है तो मैं जलाता हूँ यहाँ पर इसको। और ये जल गए, ओ पानी में, ओ मजा आ गया। वो ओ कतई 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 जबरदस्त वाला यहाँ पर दोनों अनार चले, मजा आ गया गाइस। ये है गाइस मंकी स्पिनर, देखते हैं ये किस तरीके से उछल उछल के बंदरों की तरह इधर उधर चलता है पानी के अंदर। तो इसको मैंने अनबॉक्स कर लिया है कुछ इस तरीके से, इसमें 6 पीस निकलते हैं तो एक को टेस्ट करते हैं पानी के अंदर ये सर्वाइव करेगा या नहीं। तो मैं इसको जला रहा हूं, इसका फ्यूज जल गया। वो 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 घूम रहा है पानी के अंदर। ओ भाई साहब मछली बन गए कतई पानी में चलने वाली। ओ अब बुलबुले निकल रहे हैं, एक और चलाएंगे गाइस, एक और मजा आया इसमें। ओ ओ अरे घूम रहा है, वाओ मछली की तरह कलर भी निकल रहा है इस बार, तो पहले वाले में नहीं निकला था। वाओ बस मस्त चला यार, इसमें मजा आ गया। गाइस इस बार हमारे पास है विनीता कंपनी का लेजर शो और इस पे भी मंकी बना हुआ है, देखते हैं क्या ये भी उछल उछल कर जलता है। मुझे लगता है इसमें एक स्काई शॉट होगा, जी हाँ गाइस शायद स्काई शॉट है। इसको भी चलाकर देखते हैं पानी में क्या ये सर्वाइव करेगा। गाइस इसको सेफ्टी के लिए मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर गाड़ देता हूँ, फिर देखते हैं क्या ये पानी में सर्वाइव करेगा। ओ तेरी, 1 2 और 3 ये फ्यूज जल गया आप लोग देखो, और मैं दूर हो जाता हूँ। और ओ वाह वो देखो उसके अंदर अभी भी जल रही है, मतलब स्मोक निकल रहा है, मतलब वो काफी अच्छी तरीके से जलता है। एक और ट्राई करेंगे लेकिन इसको पानी में नहीं, ऊपर आसमान में देखेंगे किस तरीके से चलता है, मुझे भी इसको देखना है। ओके तो यहाँ पर और ये गया, वो जोरदार था यार, मस्त था यार ये तो। गाइस अगर आप लोगों को ये वीडियो काफी ज्यादा अच्छी लगी और इस टेस्टिंग वीडियो में आप लोगों को मजा आया, अगर आप देखना चाहते हो उसका सेकंड पार्ट, तो आप लोग कमेंट करना, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर कर दो ये वाली वीडियो, ताकि आप लोगों के साथ साथ उन्हें भी मजा आए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।